हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे, खोडलधाम कागवाड़, जो कि शायद ही किसी को नहीं पता होगा गुजरात वाले लोगों को कि ये कहाँ पे। ये पूरा एंट्रेंस है मंदिर में जाने का, और यहाँ पे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये पूरा यहाँ पे दिया गया है। मंदिर, कैंटीन, टॉयलेट, प्रसाद घर, ये मंदिर है। कैमरे में तो इतना नहीं दिखता होगा, पर बहुत बड़ा मंदिर है। ये पूरा एंट्रेंस है अंदर जाने का मंदिर पे। गैस, ये ऊपर जो है ना, वो पूरे सोने का है, सोने से बनाया है ये। और ये पूरा मंदिर है। तो गाइस, हमारे मंदिर के दर्शन तो हो चुके हैं, और अभी हम आगे यहाँ पे जो जो गार्डन एरिया है, शक्ति वन है, खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था है, वो सब आपको दिखाएंगे। और आज संडे है ना, शायद इसीलिए बहुत ही ज़्यादा लोग आए यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए पहले से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि हमने नहीं ली थी, इसीलिए अंदर वीडियो हम नहीं बना रहे। ये पूरा मंदिर है ना, हैंडमेड है पूरे का पूरा। यहाँ पे जितनी कलाकृतियाँ है ना, वो पूरी हाथ से बनाई गई है। गाइस, ये मंदिर और पूरा गार्डन एरिया सभी मिला के है ना 100 एकड़ में फैला हुआ मंदिर है यहाँ पे। और इसको बनाने में 6 या 7 साल कुछ लगे थे। ये वहाँ पे पीछे है ना पूरा, वो बैठने की जगह है। और ये पूरा गार्डन है, और यहाँ पे पीछे मंदिर है। तो यहाँ पे चाय पीने की व्यवस्था है, जो कि निःशुल्क है चाय। और यहाँ पे आप खाना खा सकते हो, भोजन के लिए व्यवस्था है। और यहाँ पे सब पानी मिलेगा। गाइस, अभी हम जा रहे हैं शक्ति वन में। मैंने तो कभी देखा नहीं वहाँ पे क्या है, तो चलो मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। ये रहा शक्ति वन, यहाँ से अंदर जाना है। ये लोकेशन अच्छा है, फोटोशूट के लिए तो बेस्ट लोकेशन है ये। और यहाँ पे चलना ज्यादा पड़ रहा है। ये हमारी शान शहर। तो यहाँ पे शक्ति वन में है ना, ये गार्डन है पूरा, बस ये और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो गाइस, मैं एक दो बात बताना भूल गया था खोडलधाम के बारे में। वहाँ पे खोडलधाम में है ना, खोडल माता के अलावा 21 या 22 देवी देवता और है। और यहाँ पे मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी ना, तभी यहाँ पे 75 लाख लोग यहाँ पे आए थे 5 दिन के अंदर। वो बहुत बढ़िया बात है। और बाकी अभी हम खंभालीड़ा की गुफा की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या है। वो भी पुरानी केव से, तो वो देखेंगे। बाकी चलो, आप वीडियो एंजॉय करो और हम आगे मिलते हैं। खोडलधाम में मैंने देखा कि वहाँ पे ना कूड़ा कचरा कोई नहीं फैलाता, और बहुत ही साफ सुथरी जगह है, जो मुझे पर्सनली पसंद आई। बाकी आप आओ वहाँ पे खोडलधाम पे एक दिन के लिए, पिकनिक स्पॉट भी है, माता जी के दर्शन भी करो। बाकी आप रुक भी सकते हो वहाँ पे, रुकना चाहते हो तो। बाकी चलो हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये एंट्रेंस है पूरा यहाँ से अंदर जाने का। ये केव्स है ना, वो खंभालीड़ा गांव में ही है। और ये यहाँ पे लिखा है भादर नदी के किनारे है ये केव्स। ये पूरी रॉक केव है यहाँ पे। तो अंदर आपको दिखाते हैं क्या क्या है, तो चलो अंदर मिलते हैं। ये गुफा थोड़ी नीचे है, तो ये सीढ़ियों से होते हुए यहाँ पे आना पड़ता है। और यहाँ से इसका एंट्रेंस है। अभी हम पहुँच चुके हैं इस गुफा पे, खंभालीड़ा की गुफा पे। यहाँ मेरे पीछे पूरा जंगल ही है, और इस साइड यहाँ पे पूरी गुफा है। बाहर से कुछ ऐसी दिखती है।
और यहाँ पे ये शिल्पकृति आप देख रहे हैं, ये है पद्मपानी और ये है व्रजपानी दोनों, और यही जगह का मेन अट्रैक्शन है। बाकी अंदर गुफा में देखते हैं क्या क्या है। चलो ये अंदर कुछ ऐसी गुफा है और ये पिलर देखो, पिलर कितना बड़ा है, कैमरे में नहीं दिख रहा इतना, पर ये सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये पहला कक्ष था और अभी दूसरी कक्ष की तरफ जाते हैं, वहां पे भी देखते हैं क्या है। ये दूसरा कक्ष है, ये पिलर नए बनाए लगते हैं, बाकी ये पुराने वाले हैं। ये तीसरा कक्ष है, यहाँ पे भी वही है, ये पिलर नए बनाए हुए हैं, ये पुराने पिलर से। इस गुफा की डिस्कवरी है ना, वो 1958 में आर्कियोलॉजिस्ट थे पीपी पंड्या, उसने की थी। और यही है जगह पूरी, और ये मेन एंट्रेंस दोनों, बस यही है और कुछ है नहीं, ज्यादा बड़ी गुफा है। बाकी चलो दूसरा को दिखाते हैं। यहाँ पे मेन तो वो तीन गुफाएं थी, बाकी उस बोर्ड में लिखा है कि यहाँ पे 15 गुफा है, पर हमें तो वो तीन ही दिखी। बाकी कुछ छोटी छोटी है वो आपको दिखाता हूँ, वो शायद इसमें गिन रहे होंगे गुफा में, तो वो दिखाता हूँ आपको। देखो ये है ना जो छोटी छोटी, शायद वो उसमें गिन रहे होंगे गुफा में। और ये गुफा के पीछे पूरा जंगल है यहाँ पे, क्यों है ये गुफा तीसरी या चौथी शताब्दी में बनाई गई थी, और जो बौद्ध मॉन्क्स होते हैं ना, वो बौद्ध मॉन्क्स यहाँ पे ध्यान धरने आते थे, इसलिए ये बनाई गई थी। बाकी बस यही था वीडियो में, और अब चलते हैं हम। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं बाकी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।